जहां पूरी दुनिया आज जाने की कोशिश कर रही है वह है चांद। एक के बाद एक देश जैसे अमेरिका हो या रूस, चीन हो या फिर अपना भारत देश चांद पर जाना चाहता है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि आखिर चंद्रमा की दुनिया कैसी होती है? चांद पर मिट्टी है या पत्थर, समुद्र है या नदियाँ, पहाड़ हैं या रेत के मैदान, पानी है या कुछ और? चांद की धरती पर एलियन है या इंसान? तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि चांद की दुनिया कैसी है और पृथ्वी की दुनिया से कैसे अलग है। तो सबसे पहले आप यह जान लीजिए कि धरती से चांद की दूरी लगभग 384,000 किलोमीटर है। पृथ्वी से चांद तक पहुंचने में सबसे कम समय 4 दिन अमेरिका को लगा था। वहीं अगर हम चंद्रयान के रास्ते चांद पर जाते हैं तो लगभग 40 दिन का समय लगेगा। यदि हम अमेरिकी स्पेसक्राफ्ट से जाएंगे तो हमें वहाँ पहुँचने में 4 दिन का समय लगेगा। चांद की ज़मीन पर जब आप पहुंचेंगे तो आपको चांद की ज़मीन उबड़ खाबड़ नज़र आएगी, क्योंकि चांद की ज़मीन पर हर तरफ बड़े बड़े गड्ढे हैं। जब आप चांद की ज़मीन पर खड़े होकर ऊपर की ओर देखेंगे तो आपको हमारा खूबसूरत ग्रह पृथ्वी नज़र आएगा, जिसमें आपको पृथ्वी साफ साफ अपने कक्ष पर घूर्णन करती हुई नज़र आएगी। दोस्तों आपको बता दें कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के मुकाबले चांद का गुरुत्वाकर्षण 6 गुना कम है, यानी चांद की ज़मीन पर जाने के बाद हमारा वजन 6 गुना कम हो जाएगा। यदि पृथ्वी पर आपका वजन 60 किलो है तो चांद की सरफेस पर आपका वजन लगभग 10 किलो का हो जाएगा। यानी चांद की ज़मीन पर उतरने के बाद आप अपने आप को काफ़ी हल्का महसूस करेंगे। यही कारण है कि चांद पर पृथ्वी की तरफ चलना संभव नहीं है, क्योंकि जब आप चांद पर चलेंगे तो आप उछल उछल कर चल पाएंगे। आपने यदि नील आर्मस्ट्रांग की चांद पर चलने वाली वीडियो देखा होगा तो आप देख पाएंगे कि जब वह चांद पर चल रहे थे तो वह उछल उछल कर चल रहे थे। और आपको बता दें कि आज भी नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथियों के कदमों के निशान चांद पर मौजूद हैं, क्योंकि वहां पर हवा न होने के कारण आज तक वह निशान मिट नहीं पाया है। दोस्तों जब आप पृथ्वी से चांद की तरफ देखेंगे तो आपको चांद पर काले काले धब्बे दिखाई देंगे। असल में वे धब्बे नहीं, बहुत बड़े बड़े गड्ढे होते हैं जहाँ पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुँच पाती है, जिसकी वजह से वह धब्बे नजर आते हैं। आप यह भी जान लीजिए कि इस पूरे ब्रह्मांड में सूर्य के बाद यदि सबसे ज़्यादा चमकने वाला कोई चीज़ है तो वह चंद्रमा है। दोस्तों जब हम पृथ्वी से आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें आसमान का कलर नीला दिखाई देता है, लेकिन जब चांद से आसमान की तरफ देखेंगे तो हमें नीला नहीं बल्कि काला दिखाई देगा। यानी आप जब भी ऊपर आसमान की तरफ देखेंगे तो आपको लगेगा कि आप काले आसमान की दुनिया में आ गए हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात आप यह जान लीजिए कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराते हुए चांद पर वाईफाई की सुविधा उपलब्ध कर ली है, जो कि 3 Mbps तक का इंटरनेट स्पीड देता है। यानी आप आराम से चांद पर इंटरनेट चलाकर अपना एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। लेकिन अब बात आती है वाईफाई की सुविधा से पृथ्वी पर अपने घर फ़ोन करके बात करने की, और आपने फ़ोन मिलाया और फ़ोन लग भी गया, लेकिन यह क्या जब आप बोल रहे हैं तो आपके मुँह से आवाज़ नहीं निकल रही है। इसका कारण यह है कि चंद्रमा पर अपना कोई वायुमंडल नहीं होता, इसलिए वहां पर ध्वनि तरंगों का संरक्षण समान रूप से संभव नहीं है। यदि आप चंद्रमा पर किसी को पुकार कर बुलाना चाहेंगे तो उसे आपकी आवाज़ नहीं पहुंच पाएगी। परंतु चंद्रमा पर एस्ट्रोनॉट्स स्पेस सूट में रहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भरकर कृत्रिम रूप से वायुमंडल दबाव बनाया जाता है, इसलिए वे सूट में बात कर सकते हैं और उसमें लगे माइक्रोफोन की मदद से किसी अन्य व्यक्ति तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। इस तरह चंद्रमा पर टेलीफोन के काम करने में तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपको ध्वनि को अपने मुंह से माइक्रोफोन तक पहुंचाने के लिए किसी माध्यम जैसे वायु की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि इस स्पेस सूट से ही संभव है। और आपको यह भी बताते हैं कि जब आप फ़ोन पर बात करेंगे तो पृथ्वी तक सिग्नल पहुंचाने में लगभग 1.2 सेकंड का समय लगता है, इसलिए पृथ्वी पर जब आप संपर्क करेंगे तो रुक रुक कर बात करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं चांद पर दिन और रात के बारे में। तो चांद को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27.3 दिन का समय लगता है। दोस्तों आपको बता दें कि चांद पर एक दिन करीब 14 दिन का होता है और रात 14 रात की होती है। यानी चांद की सतह पर मौजूद वस्तुओं पर रात और दिन का बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, और रात में चांद का तापमान लगभग -153 डिग्री तक गिर जाता है, जबकि दिन में तापमान 180 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। तो दोस्तों ये रही पृथ्वी और चांद से जुड़ी कुछ जानकारियाँ। आपको अगर वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर इसी तरह की वीडियो आती रहती है।